हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज 21x28। फ्रंट इसका 21 फिट दिया है, लंबाई इसकी 28.5 फिट रखी है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में कार पार्किंग के साथ में 2 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा। उसके ऊपर आपको 3 BHK हाउस प्लान दिखेगा। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते अपने 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है, पूरा 21x28 में देख सकते हैं आप। कंप्लीट आइटी यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन को जिस तरीके से जान दिया गया है, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस दिया है। यहाँ पे आपको जिस तरीके से सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कार पार्किंग, बाइक पार्किंग को जिस तरीके से रैंप दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री गेट मिल जाता है। गेट आपका 9.5 फिट का लगा है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कार पार्किंग एरिया दिख जाता है कुछ इस तरीके से। इस पार्किंग का मैंने साइज रखा हुआ है 10x14। ये 10x14 की आपकी कार पार्किंग दी गई है, देख सकते हैं आप 10x14 की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक मिल जाती है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। बैठक से डायरेक्ट घर के अंदर आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया, डायरेक्ट आप घर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। इस बैठक का मैंने साइज रखा हुआ है 10x11। ये 10x11 की आपकी बैठक दी गई है, देख सकते हैं आप 10x11 की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कार पार्किंग के एरिया से कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया, वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जीने के नीचे स्पेस दिख जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से कम्प्लीट जीना दिख जाता है। जीना आपका 3 फिट का बना हुआ है, कम्प्लीट जीना कुछ इस तरीके से दिया है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइन मिल जाती है, जिसका मैंने साइज रखा है 4x8। ये 4x8 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कंबाइन दी गई है, देख सकते हैं आप 4x8। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से किचन दिख जाती है, देख सकते हैं। इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है 6x7। ये 6x7 की आपकी किचन दी गई है, देख सकते हैं ओपन आपकी किचन दी है 6x7 की। ये 2 भाइयों के हिसाब से पूरा प्लान बनाया गया। अगर आप ये गेट नहीं लगाना चाहते तो आप इसके गेट को हटा सकते हैं, पूरा आपका सेपरेट प्लान दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से रूम दिख जाता है, रूम के वेंटिलेशन साइड से आपको विंडो उपलब्ध कराएगी, रूम का फुल्ली वेंटिलेशन होता रहेगा। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x12। ये 10x12 का आपका रूम दिया हुआ है, देख सकते हैं आप 10x12 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21x28 में कार पार्किंग के साथ में ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK हाउस प्लान कंप्लीट दिखता है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने मिला था, सेम साइज का आपका जीना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है, जिसका मैंने साइज रखा 4x8। 4x8 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से रूम दिख जाता है, जिसका मैंने साइज रखा 10x12। 10x12 का आपका रूम दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल में आपको किचन मिल जाती है, इस किचन का मैंने साइज रखा 6x7। ये 6x7 की आपकी किचन दी है। वेंटिलेशन को जिस तरीके से जाल दिया गया, ऊपर भी मैंने जाल दिया है, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड मिल जाती है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 4x6। 4x6 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड दी गई है। अगर आप इस लैट्रिन बाथरूम को रूम में अटैच करना चाहते हैं तो इस साइड आप गेट लगा सकते हैं, तो आपकी मास्टर बेडरूम बन जाएगा पूरा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट दिया है और बालकनी आने जाने को जिस तरीके से एंट्री गेट उपलब्ध कराया गया है, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, साइड आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं आप। ये छज्जा आपका 3 फिट का निकला है। यहाँ पे आपको 3 फिट की सेपरेट बालकनी मिल जाती है पूरी। इस रूम का मैंने साइज रखा 10x10। ये 10x10 का आपका रूम दिया है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको जिस तरीके से रूम दिख जाता है, यहाँ पे भी देख सकते हैं सेपरेट आपको एंट्री गेट दिया है बालकनी आने जाने के लिए। इस रूम का मैंने साइज रखा है 10x11, जैसा कि आपको नीचे देखने मिला था। ये 10x11 का आपका रूम दिया गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको 3 BHK हाउस प्लान कंप्लीट दिखता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप कंप्लीट अभी आपकी कुछ इस तरीके से बनी है। वेंटिलेशन जाल दिया हुआ है, फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। कम से कम खर्चे में अपना प्लान तैयार करा सकते हैं। 21x28 में कार पार्किंग के साथ में 5 बेडरूम हाउस प्लान कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।